किसी भी बच्चे के लिए उसके पिता से बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई भी नहीं होता। पिता का जीवन अपने आप में हर बच्चे के लिए एक संपूर्ण शिक्षा होती है। पिता चाहे एक आम इंसान क्यों ना हो, एक बच्चे के लिए वह जीवन भर संघर्ष करता है। भले ही वह माँ की तरह बच्चे को समय नहीं दे पाता, किंतु बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए ताउम्र परिश्रम करता है। पिता, तुम अतुलनीय हो। संज्ञाएं तो बहुत मिलती हैं मुझे, कभी हिमालय सा अडिग, कभी सागर सा गंभीर, कभी आसमान सा ऊंचा, कभी बरगद सा विशाल, कभी घर की नींव सा मजबूत, कभी चट्टान सा अटूट, और भी बहुत कुछ। मैं सुनता हूँ, सुनकर खुश भी होता हूँ। शायद मैं इतना बड़ा नहीं जितना मान में पाता हूँ, पर कुछ और भी है मुझ में जो अलग है इन सब में। माँ की तरह मुझ में भी है एक द्रवित हृदय जो मैं कभी दिखला नहीं पाता। माँ तो जननी होती है, अपने बच्चों पर स्नेह की वर्षा करती है, कभी दुख में कभी सुख में बच्चों को गले से लगाकर रो लेती है। पर मैं पिता हूँ, अपने आंसू छलका नहीं सकता। छत हूँ मैं घर की, किन्हीं भी हालातों में रिस नहीं सकता। चट्टान सा कहलाना भाता है मुझे, पर कभी 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 टूटता हूँ, करता भी हूँ मैं, फिर खुद से ही खुद को समेट कर अपने किरदार में बंध जाता हूँ। कि मैं जानता हूँ सबकी उम्मीदें मुझ पर टिकी हैं, सभी की अपेक्षाएं हैं मुझसे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है मुझे। पर कभी भयभीत होता हूँ मैं, जो कभी इनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर सका तो खुद को बांध लेता हूँ रिश्तों के मजबूत धागों से जो मुझे संबल देते हैं मुश्किलों के सामने खड़े होने की, कभी घर का प्रहरी कभी रक्षक बनकर। नहीं है अपेक्षाएं मेरी किसी से, मैं सब कुछ पा जाता हूँ जब अपने बच्चों के चेहरे पर हर दिन एक छोटी सी मुस्कान ला पाता हूँ।